हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, उसके जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें न्यूमेरिकल 5 जो है वो सॉल्व कर लिया था। अब हम इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल 6 से जो है वो सॉल्व करेंगे। जितने भी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम ये तमाम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। नंबर 6, अ थिन डिस्क विद अ 0.3 मीटर डायमीटर एंड अ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 0.45 केजी मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। देयर आर थ्री रॉक्स विद द मासेस ऑफ 0.2 केजी ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क। फाइंड द मोमेंट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली देखो, सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, थिन डिस्क है बेसिकली, और यहाँ पर जो है वो ये इसका क्या है, सेंटर है। अब यहाँ पे इसके अबाउट जो है वो ये क्या करिए, रोटेट करिए यहाँ पर, और इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली, जो थिन डिस्क है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है, ये क्या कहलाता है, इसका डायमीटर कहलाएगा। तो दिस इज द डायमीटर ऑफ द डिस्क जो कि क्या है, 0.3 मीटर है। अब इसका हाफ कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, और रेडियस जो है वो किसके इक्वल होगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। इसके अलावा कह रहे हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस डिस्क का वो आपको गिवन है जो कि है आई, ठीक है, वो कितना है, 0.45 kg गिवन है, kg मीटर स्क्वायर। तो ये आपको ये भी गिवन है। फिर कहते हैं कि ये रोटेट कर रही है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो ये इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है। और यहाँ पे कहते हैं तीन रॉक्स हैं जिनका मास क्या है, 0.2 kg है ऑन द आउटर पार्ट। तो यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे तीन जो है वो रॉक्स हैं आउटर पार्ट के ऊपर, इस तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट पे भी और एक इस पॉइंट पर भी। फिर कहते हैं कि डिस्क के ऊपर, और कहते हैं कि इस इन रॉक्स मास है वो आप तीनों का गिवन है, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सिस्टम का वो आई होगा, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इन तीनों रॉक्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे मिलकर बनेगा, राइट। आपको क्या क्या चीजें गिवन है, यहाँ पर डेटा बनाएंगे हम। तो आपको गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है 0.45 kg मीटर स्क्वायर है, राइट। इसके अलावा जो आपको गिवन है वो है डायमीटर, और डायमीटर जो है वो डिस्क का वो क्या है, 0.3 मीटर है, ठीक है, तो 0.3 मीटर। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, रेडियस का हाफ कर दोगे, तो यहाँ पे सॉरी डायमीटर का हाफ कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रेडियस मिल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0.15 मीटर आ जाएगा। इसके अलावा आपको एक और चीज गिवन है जो कि क्या है, मास ऑफ रॉक है, ठीक है, तो रॉक्स का जो मास है वो कितना है, वो है 0.2 kg गिवन है। तो ये एक रॉक का मास क्या है, इतना है, और दोनों बाकी जो रॉक्स है उनका भी मास कितना है, इतना इतना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, आपसे फरमाइश की गई है कि आप मोमेंट इनर्शिया जो है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस सिस्टम का वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है ऑफ द सिस्टम, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल होगा आई की इक्वल होगा, और ये इन तीनों की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है चारों का उससे मिलके बनेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉक वन, ठीक है, फिर दूसरी जो रॉक है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉक टू, ठीक है, और दूसरी जो मोमेंट रॉक है तीसरी उसका भी आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज आर मास्टर इक्वेशन। अब हमें पता है कि जो तीनों रॉक्स हैं इनका जो मास है वो सेम है, और ये आउटर पार्ट के ऊपर है तो सबके लिए जो रेडियस है वो भी क्या है, सेम है। हम लिख सकते हैं कि जो रॉक वन है, रॉक टू है, और रॉक थ्री है, ठीक है, रॉक टू और रॉक थ्री, आर थ्री, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर इन तीनों की जगह पर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस रॉक का जो होगा, इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉक। तो यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं अपनी मास्टर इक्वेशन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बस आप एक रॉक का निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो आपको तमाम रॉक्स जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो है वो क्या करेंगे, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉक का निकालेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क वो तो आपको सवाल में गिवन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फॉर रॉक्स, ठीक है, तो रॉक्स के लिए अभी हम काम करेंगे, तो एक रॉक का निकालेंगे तो वो सबका आ जाएगा हमारे पास, तो इसके इक्वल होगा आई मोमेंट इनर्शिया रॉक एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम जो है वो मास है एक रॉक का जो कि कितना है, 0.2, आर जो है वो रेडियस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.15 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5 × 10³-3 − 3 kg मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉक। अब आप अपनी मास्टर इक्वेशन के अंदर जाएंगे जो कि आपके पास इक्वेशन नंबर ए,
इक्वेशन नंबर ए के अंदर आप जाओगे तो इक्वेशन नंबर ए उसमें आपने क्या करना है, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होल सिस्टम का, तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, क्या आपको सवाल में गिवन है 0.45 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉक जो कि क्या है 4.5 टाइम्स टू द पावर माइनस 3। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा और इसके अंदर ऐड कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा 0.4635। राउंड ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0.464। ठीक है, तो यहाँ पे ये राउंड ऑफ हो गया है तो ये 464 बन जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम, के पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये है और ये आपके पास क्या आ गया है आंसर आ गया है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइडियल बैंकिंग एंगल फॉर अ जेंटल टर्न ऑफ 1.0 किलोमीटर रेडियस ऑन अ हाईवे विद 105 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट अबाउट 65 माइल्स पर आवर अस्यूमिंग द एवरीवन ट्रैवल्स एट द लिमिट 4. तो बेसिकली देखो सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक हाईवे है, ठीक है, और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बैंकिंग एंगल जो है बेसिकली कितना होगा, ये आपने फाइंड करना है कि उस हाईवे पे आराम से एक जेंटल जो है वो टर्न ले सके वो गाड़ी या जो भी व्हीकल है, और उसका जो रेडियस है उस हाईवे का यहाँ से लेकर उस बेसिक टर्न का वो आपके पास आर है जो कि आपको उसकी वैल्यू गिवन है। फिर फर्दर कहते हैं कि हाईवे पे जो स्पीड है स्पीड लिमिट है वो इतनी है, ठीक है, इतनी स्पीड से अगर जो कोई भी व्हीकल है वो मूव करती है और उसका रेडियस जो है उस हाईवे का उस टर्न का वो इतना है तो कितना एंगल होना चाहिए, तो आपने ये फाइंड करना है। तो डेटा बना लेते हैं, आपको क्या क्या चीजें गिवन है, आपको यहाँ पर वी गिवन है जो कि कितना है 105 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे 105 किलो की जगह पे आप क्या लिख दोगे, आप 1000 लिख दोगे और डिवाइड कर दोगे किससे, आर से, आप किस में जा रहे हो यहाँ पे सेकंड्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा 3600 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो यूनिट होगा वो क्या होगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आपके पास आएगा 29.16 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा जो रेडियस है वो यहाँ पे कितना है 1.20 किलोमीटर है, तो किलो जो है वो प्रेफिक्स है उसको निकालते हैं 1.20 टेंस टू द पावर 3 और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हमने आर को कन्वर्ट कर लिया है, अब हमें फाइंड करना है फाइंड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो हम लेंगे यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आगे हमें इसको यूज करना है तो इसलिए मैंने अपने यहाँ पे डेटा में इसको लिख दिया है, ठीक है। फिर इसके अलावा देखो यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, आपको बेसिकली एक ही चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है थीटा आपने फाइंड करना है, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा है ये, इसके अंदर आपने बस एक एक्सप्रेशन एक फॉर्मूला है वो याद रखना है जो कि होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी स्क्वायर ओवर आर जी। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जब आप टॉपिक पढ़ोगे बैंकिंग कर्व वाला तो वहाँ पर हमने ये बैंकिंग एंगल की एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव की है, तो वहाँ से आपने इसको याद रखना है। तो हमें क्या चाहिए थीटा चाहिए, बस हमें कुछ नहीं करना, आप हमारी इक्वेशन थीटा पे ऑलरेडी सेट है, वैल्यू प्लग इन करनी है, तो ये कितना आ जाएगा 29.16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है आपके पास वो है 1200, सिंपल आप इसको ऐसे लिख दो 1.2 टेंस टू दी पावर 3 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी जो कि क्या है 9.8 है और सब सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा आपके पास आएगा 4.135। तो राउंड ऑफ कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास आंसर है वो कितना है 4.14 है, तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास जो एंगल बन जाएगा थीटा वो कितना होगा 4.14 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई हाईवे है और उस हाईवे के ऊपर कोई भी व्हीकल है वो जेंटल टर्न लेना चाहती है और उसका जो रेडियस है वो आपको यहाँ पे सवाल में गिवन है और उसकी स्पीड लिमिट इतनी हो तो वहाँ पर एंगल जो है बैंकिंग एंगल कितना होना चाहिए 4.14 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है आंसर है। क्वेश्चन एट है 1500 कार मूविंग ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड एंड नेगोशिएट्स अ कर्व एज शोन इन द फिगर 4.21 इफ द रेडियस ऑफ द कर्व इज 335.0 मीटर एंड द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द ड्राइव पेवमेंट इज 0.523 फाइंड द मैक्सिमम स्पीड द कार कैन हैव एंड स्टिल मेक द टर्न सक्सेसफुली। तो बेसिकली देखो जो पेवमेंट होती है वो रोड की एक आउटर जो है वो एक सरफेस होती है, ठीक है, तो उसको हम पेवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कार है जिसका मास आपको यहाँ पे गिवन है, कहते हैं कि वो एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर मूव करी और आपने कर्व को निगोशिएट कर देना है, तो और इसके अलावा कहते हैं कि जो कर्व है बेसिकली उसका जो रेडियस है वो कितना है वो है 35.0 मीटर और जो टायर और पेवमेंट के दरमियान जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो यहाँ पर आपको गिवन है जो कि है 0.523, ठीक है। तो ड्राई पेवमेंट और पेवमेंट का होता है कि जो रोड के आउटर उस पर एक जो है वो इस तरीके से रोड होता है
एक जगह होती है जिसको हम पेवमेंट कह रहे होते हैं, तो उसके दरमियान जो है वो और टायर के दरमियान जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कॉफिशियंट है वो आपको गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम स्पीड जो है कार की क्या होगी कि वो एक सक्सेसफुल टर्न ले सके। तो डेटा बनाते हैं, आपने बेसिकली स्पीड जो है वो फाइंड करनी है, क्या क्या चीज़ आपको गिवन है यहाँ पर। आपको गिवन है मास ऑफ द कार जो कि क्या है, एम है, और वो कितना है, 1500 kg है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो म्यू गिवन है जो कि क्या है, कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है बिटवीन टायर एंड द पेवमेंट जो कि कितना है, 0.523 है, राइट। इसके अलावा जो रेडियस है वो आपको गिवन है जो कि है 35.0 मीटर है। इसके अलावा आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम स्पीड, तो अगर आपको पता हो कि यहाँ पर अगर ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ के बाद मूव कर रहा है, बेसिकली क्या होगा, टुवर्ड सेंट्रिक फोर्स होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रिपेटल फोर्स बोलते हैं। लेकिन सेंट्रिपेटल फोर्स जो है वो खुद कोई फोर्स नहीं होती है, बल्कि कोई और फोर्स जो है उसका रोल प्ले करती है। तो सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होती है, वो होती है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होता है, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगी बिटवीन द टायर एंड द पेवमेंट वो होगी म्यू एन के इक्वल होगा, राइट। और यहाँ पर जो एन है वो बेसिकली क्या है, नॉर्मल फोर्स है जो कि क्या होगी, कोई भी सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर जो है वो फोर्स लगती है उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगी, अगर ये सरफेस बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट सपोज कि ये रोड है और रोड के ऊपर इस तरीके से कार है, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगी सरफेस जो इसके ऊपर लगाई गई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स है, और जो वेट फोर्स होगी वो क्या करेगी, बेसिकली इसको बैलेंस करेगी, और वेट फोर्स क्या होती है, नीचे डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं कि जो एन होगा वो किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन है क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू म्यू, और एन की जगह क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू लिख सकते हो। और हमें पता है कि जो डब्ल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है। तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है, आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल होगी, म्यू, और डब्ल्यू की जगह पे आप क्या लिखोगे, एम जी लिखोगे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ये जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा शुरू में कि जो सेंट्रिपेटल फोर्स होती है वो खुद कोई फोर्स नहीं होती, बल्कि कोई और सी जो फोर्स होती है वो उसकी जगह पे रोल प्ले कर रही होती है। तो यहाँ पर सेंट्रिपेटल फोर्स का जो रोल प्ले कर रही होगी बेसिकली वो फ्रिक्शन फोर्स होगी जो टायर और पेवमेंट के दरमियान होगी। तो आप क्या लिखोगे, एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। मतलब कि ऐसे लिखा जाएगा कि जो एफ एस है वो किसके इक्वल होगा, एफ सी के इक्वल होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू एफ सी जो है वो किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल है। और यहाँ पर हमने देखा कि एफ एस जो है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, तो हम इसकी जगह प्लग इन कर देंगे एम जी एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा, एम से एम मर जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अपनी इक्वेशन को वी पे सेट करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू जी आर आ जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ जो है हम ले लेंगे यहाँ पर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू जी आर, अब वैल्यू प्लग इन कर देंगे तो ये आपकी क्या बन गई है, अब ये आपकी इक्वेशन बन गई है। और हमें क्या करना है, हमें वी फाइंड करना था, हमने तमाम जो पैरामीटर्स है उसको इस तरीके से वी पे सेट कर दिया है। अब जाएंगे हम वैल्यू प्लग इन करते हैं, तो वी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू, म्यू क्या है आपके पास, म्यू की वैल्यू प्लग इन करोगे आप जो कि है 0.523 है, राइट। इसके अलावा जो जी है वो क्या है, 9.8 है, आर जो कितना है, 35.0 है, और इन सबको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम स्पीड जो है वो किसके इक्वल आएगी, वो होगी 13.39 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्पीड है वो किसके इक्वल होगी, 13.4 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई है, मैक्सिमम स्पीड आ गई, और ये क्या है आपके पास आंसर है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे क्या है, 13.5 लिखा हुआ है, तो इससे अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो सपोज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट था आपके पास, और क्या था, 0.523 था आपके पास, 23, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई बाय, और क्या है, 35.0 है, राइट। और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 13.39 आ रहा है, और यहाँ पे इसको आप राउंड ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, 13.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इतना तो चलता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ये जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, 13.4 मीटर पर सेकेंड होगी। वो अ सिस्टम ऑफ पॉइंट्स शोन इन द फिगर 4.22, ईच पार्टिकल हैज द सेम मास ऑफ 0.3 kg एंड दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस। तो देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास कुछ पॉइंट्स का एक सिस्टम है जो कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, और हर एक जो मास है इनका, हर एक पार्टिकल का, वो बेसिकली क्या है, सेम है, और ये सब जो है वो एक प्लेन के अंदर, सेम प्लेन के अंदर लाए करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा अबाउट द गिवन एक्सिस। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास इस सिस्टम के सेंटर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, या हमारे ये जो सिस्टम है उसके अबाउट क्या कर रहा है, जो है वो रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, ए है, ये बी है और ये पार्टिकल सी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल ए है ये क्या है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर जो है वो दूर है और ये आ गया हमारे पास पार्टिकल ए, ठीक है। अब इसके अलावा जो दूसरा पार्टिकल है वो क्या है, पार्टिकल बी है। तो बेसिकली कोई रिजिड बॉडी है और यहाँ पर उसके ऊपर हमने ये तीन पार्ट जो पार्टिकल्स उन्होंने लिया हुआ है और वो किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया है, पार्टिकल सी आ चुका है, तो यहाँ पे इसको हम सी बोल देते हैं। अब इनका जो डिस्टेंस है, तो लेट सपोज इसके लिए जो डिस्टेंस होगा ये आर ए होगा सेंटर से, और इसके लिए जो डिस्टेंस होगा ये आर बी होगा, और इसके लिए जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, आर सी होगा, राइट। तो डेटा बनाते हैं, आपको क्या क्या चीजें गिवन है, आपको यहाँ पे मास गिवन है इन दोनों बॉडीज, इन तीनों बॉडीज का, तीनों बॉडीज का जो मास है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो एम ए, एम बी और एम सी, तो इसका जो मास है लेट सपोज वो एम ए है, और इस वाली बॉडी का जो मास वो क्या है, एम ए, ये क्या है एम बी और ये क्या है एम सी, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों का जो मास है वो बिल्कुल सेम है, जो कि कितना है 0.3 kg। इसके अलावा जो डिस्टेंस है आर ए के लिए, जो आर ए है मतलब इस पार्टिकल ए के लिए सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर का है, ठीक है, आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 40 को डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, 10 से 10 मर जाएगा और आपके पास आ जाएगा 0.4 मीटर, 0.4 मीटर आ जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास पार्टिकल बी है इसका जो सेंटर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 20 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से, 1 से 1 किलो मर जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास पार्टिकल सी है उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है, राइट। यहाँ पर ये मास जो है वो कितना है, सॉरी डिस्टेंस जो है वो कितना है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, और हम 50 को कन्वर्ट करेंगे है मीटर के अंदर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बेसिकली, तो कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। तो ये तो आपके पास क्या बन गया, डेटा बन गया। अब आपसे क्या फरमाइश की गई, आपसे फरमाइश ये की गई है कि आपने बेसिकली क्या फाइंड करना है, आपने ये फाइंड करना है कि इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, ठीक है। किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन होती है कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रेजेंट कर रहा है, सबमिशन का साइन आ जाएगा और क्या होगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तब उस पूरे सिस्टम के अंदर हमारे पास जो भी पार्टिकल्स हैं, लाइक अगर ये हमारे पास पार्टिकल है इसका मास, इसका डिस्टेंस सेंटर एक्सिस से, तो इस तरह इसको हम ले लेंगे, यहाँ पर इसका ले लेंगे, इसका ले लेंगे, सबको सम कर देंगे तो आपको पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, आई इज इक्वल टू, तो पहला कौन सा पार्टिकल है, ए पार्टिकल, उसका मास आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका एक्सिस कितनी दूर है वो, तो क्या आ जाएगा, आर ए का स्क्वायर प्लस एम बी। इसी तरह दूसरा पार्टिकल आके उसका मास आर बी स्क्वायर प्लस एम सी आर सी का स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है, हमने वैल्यू प्लग इन कर देते हैं इसकी, आई इज इक्वल टू ए, ए का जो एम ए है, अब यहाँ पर क्या है, सबका मास क्या है सेम है, तो इसकी जगह हम एम लिख देते हैं, तो यहाँ पे मैं एम को कॉमन ले लूंगी और क्या आ जाएगा, आर ए का स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर सी का स्क्वायर। वैल्यू प्लग इन करते हैं हम, एम जो कि कितना है 0.3 है, और यहाँ पे आर ई की जगह पे आप क्या लिखोगे, 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप कैलकुलेटर में प्लग इन करके, तो ये मैंने पहले से किया हुआ है, तो यहाँ पे कितना है 0.135 आ रहा है, तो आई जो आपके पास आ जाएगा वो कितना होगा 0.135, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है, और ये आपके पास क्या है, आंसर है, ये आपको फाइंड करना था। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, बहुत न्यूमेरिकल नंबर 10 यूनिट 4 पार्ट ए, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2.9 केजी यूनिफॉर्म सिलैंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर व्हेन रोटेटिंग 1550 आरपीएम। पार्ट बी, हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन
6 सेकेंड। सो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ मोमेंटम जो है वो फाइंड करना है, और यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सिलैंडरिकल ग्राइंडिंग की है उसका आपको यहाँ पे क्या गिवन है, मास गिवन है, एंड देन उसका रेडियस आपको गिवन है जो कि क्या है आर है, और वो रोटेट कर रहा है इतनी स्पीड से जो कि एंगुलर स्पीड है, और कहा जा रहा है पार्ट बी में कि कितना टॉर्क हमें जरूरत पड़ेगी उसको स्टॉप करने के लिए, और यहाँ पर आपको क्या गिवन है टाइम इंटरवल गिवन है जो कि क्या है बेसिकली डेल एल डेल टी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा बनाते हैं, आपको क्या क्या चीजें गिवन है, आपको मास गिवन है सिलेंडर का, मास ऑफ द सिलेंडर जो कि कितना है 2.9 kg, इसके अलावा आपको रेडियस गिवन है जो कि है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 100 जो कि किसके इक्वल होगा 0.2 के इक्वल होगा, तो हम इसमें से लिखेंगे 0.2 बेटा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ओमेगा गिवन है, ओमेगा जो क्या है एंगुलर स्पीड है 1500 RPM है, RPM क्या होता है रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन पर मिनट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकंड के अंदर। अब जैसे हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन जो है वो किसके इक्वल होता है, एक रेवोल्यूशन इन टर्म ऑफ रेडियन अगर रखें तो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ओमेगा है वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 1550, और रेवोल्यूशन पर मिनट, अब यहाँ पे रेवोल्यूशन की जगह पे क्या लिखोगे 2 पाई, और यूनिट आएगा रेडियन, और मिनट की जगह पे क्या लिखोगे 60 सेकेंड। तो इस सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा आपके पास जो आएगा वो किसके इक्वल होगा 1621 रेडियन पर सेकेंड। इसके अलावा जो टाइम इंटरवल है डेल टी वो कितना है आपके पास 6 सेकेंड का है, और इसके अलावा देखो जो इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो आपने फाइंड करना है, लेकिन जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सिलेंडर है वो क्या हो गया स्टॉप हो गया। तो आपसे क्या फरमाइश की गई, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, आपने फाइंड करनी है पार्ट ए के अंदर आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, पार्ट बी में आपने क्या करना है टॉर्क फाइंड करना है, ये जो टॉर्क होगा कि उस सिलेंडर को स्टॉप करने के लिए कितना टॉर्क की हमें जरूरत पड़ेगी। राइट, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर जो है बेसिकली एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और यहाँ पे कौन सा हमारे पास शेप था, यहाँ पे शेप थी सिलेंडर। अब सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, और यहाँ पे जो आपको बेसिकली ओमेगा आई ये गिवन है, ये एंगुलर स्पीड, ये इनिशियली है, इनिशियली हमारा जो स्टैंडर्ड था वो इस स्पीड से मूव कर रहा था, क्योंकि जब ये स्टॉप हो जाएगा तो ओमेगा भी 0 हो जाएगा और एल एफ भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये जो इक्वेशन क्या बन जाएगा, आपके पास एल आई इज इक्वल टू आई की जगह पे क्या लिखोगे हाफ एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा ओमेगा, वैल्यू प्लग इन करते हैं यहाँ पर, हाफ एम की जगह पे आप कितना लिखोगे 2.9, आर की जगह पे आपके पास क्या जाएगा 20.2, ओमेगा की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1621, इन सबको आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर, और एल आई जो आपके पास आएगा वो किसके इक्वल होगा 9.413 kgm² पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अप्रोक्सीमेट आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ रहा है राउंड ऑफ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अगर देखो तो 9.5 है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आपके पास 9.5 kgm² पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पार्ट ए यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, जिसमें आपने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना था। अब पार्ट बी के चलते हैं, और पार्ट बी में आपसे कहा जा रहा है कि बेसिकली उस सिलेंडर को स्टॉप करने के लिए कितने टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। जो टॉर्क होता है वो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है बेसिकली, और एंगुलर मोमेंटम के अगर आप स्टॉप इन करो डेल को तो क्या होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे क्या आएगा डेल टी। अब देखो फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो है क्या 0 क्योंकि वो स्टॉप हो गया, और इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है 9.5 है, और यहाँ पे डेल टी की वैल्यू क्या है 6 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.58, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद 1.6 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया पार्ट बी भी जो है वो सॉल्व कर लिया। अच्छा, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन बेसिकली रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप इसको क्या कर रहे हो स्टॉप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, आई मीन क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया है आंसर आ गया है। ठीक है, यूनिट 4 का लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 11, डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अब पार्ट ए अबाउट इट्स रोटेशन एक्सेस, अज्यूमिंग द अर्थ हैज अ यूनिफॉर्म स्फीयर
एंड पार्ट बी इट इज ऑर्बिटिंग द सन टेक अर्थ एज अ पार्टिकल ऑर्बिटिंग द सन टेक अर्थ हैज अ मास 6 टेन टू द पावर 24 केजी एंड रेडियस 6.4 टेन टू द पावर 6 मीटर एंड 1.5 टेन टू द पावर 8 किलोमीटर फ्रॉम द सन। बेसिकली देखो सवाल के हिसाब से कहा जा रहा है कि आपने एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस के अबाउट जो है वो रिवॉल्व करी है, तो यहाँ पर आपने पहले उसका जो है वो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर रिवॉल्व करी है, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं एल, ठीक है। तो ये आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। फिर कहते हैं कि अर्थ जो है वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है और जो सन के अबाउट जो है वो क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है, ठीक है। और हम इसको अर्थ को कैसे लेंगे, सन के अबाउट अर्थ जो है वो एक पार्टिकल की तरह है और वो सन के अबाउट जो है वो इस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया है एक्सिस ऑफ रोटेशन और अर्थ जो है वो इसके अबाउट बेसिकली रिवॉल्व कर रही है, ऑर्बिट कर रही है। तो यहाँ पर जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा जब अर्थ जो है वो इस तरीके से सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, तो वो क्या है, वो आपने फाइंड करना है। तो दोनों केसेस में हमने एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड करना है। पहले हमें अर्थ के उसी एक्सिस के ऊपर फाइंड करना है, फिर जब वो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम वो फाइंड करना है। आपको यहाँ पे मास ऑफ अर्थ गिवन है, तो यहाँ पे अर्थ का जो मास है वो क्या होगा, एम ई है, ठीक है। इसको मैं स्मॉल एम ई से डिनोट कर देती हूँ। इसके अलावा अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस होगा बेसिकली क्या होगा, अर्थ के सेंटर से उसकी सरफेस का डिस्टेंस, तो वो क्या होता है, आर ई होता है, वो भी आपको गिवन है। इसके अलावा कहते हैं 1.5 टेन टू द पावर 8 किलोमीटर फ्रॉम द सन। बेसिकली सन से अर्थ का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है, जिसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रही हूँ। वो यहाँ पे कितना गिवन है, 1.5 टेन टू द पावर 8 किलोमीटर गिवन है। तो डेटा बनाते हैं, आपको क्या क्या चीजें गिवन है। आपको यहाँ पे गिवन है मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ जो कि कितना है, एम ई से डिनोट किया आपने, और वो है 6 टेन टू द पावर 24। इसके अलावा आपको रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो किसके इक्वल है, आर ई के इक्वल है। तो मैं रेडियस ऑफ अर्थ को कैपिटल आर से डिनोट कर देती हूँ, आर ई, सब स्क्रिप्ट में ई लिख रही हूँ, इसका मतलब अर्थ की बात कर रहे हैं और उसका जो रेडियस है वो कितना है, 6.4 टेन टू दी पावर 6 मीटर है, राइट। इसके अलावा जो यहाँ से यहाँ तक सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है स्मॉल आर। सो डिस्टेंस अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के दरमियान का जो डिस्टेंस है जो कि हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है, 1.5 टेंस टू द पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे किलोमीटर में है तो किलो को जरा हम निकाल लेते हैं, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, टेंस टू द पावर 8, और बेसिकली जो किलो है वो क्या होता है, टेंस टू द पावर 3 के इक्वल प्रीफिक्स बेसिकली। तो यहाँ पर आर जो है वो कितना आ जाएगा, 1.5 बेस से मैं पावर को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, तो 8 + 3 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 11 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया आर की वैल्यू। अब आपसे क्या फरमाइश की गई है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है पार्ट ए के अंदर। अब कौन सा एंगुलर मोमेंटम है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो अर्थ जो है वो जो अपने ही एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व कर रही है, ऑर्बिट कर रही है बेसिकली, आपने वो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है जिसको हमने एल से डिनोट किया है, और जो वो सन के अबाउट एज अ पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रही है तब क्या होगा, तो उसको मैंने एल प्राइम से डिनोट किया है। और वो क्या होगा कि अर्थ का बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ही आप कैलकुलेट करो, वो सन के अबाउट रिवॉल्व करिए, सो ऑर्बिट अराउंड सन। यहाँ पर आपने ये दोनों एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको हम, तो देखो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये आपके पास क्या इक्वेशन है, मास्टर इक्वेशन है। पहले आपने क्या करना होगा, आपने ओमेगा फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्ट ए के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हो किसका, अर्थ का, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस के अबाउट जो है वो रिवॉल्व कर रही है। तो यहाँ पर लेट सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का जो एक्सिस है उसी के अंदर से पास करो, अर्थ इसके अबाउट जो है वो रिवॉल्व कर रही है। अब अर्थ का यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो क्या है, आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए आपको पहले क्या बताना चाहिए, आई और ओमेगा। अब देखो आई तो हमें पता है जो कि हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया था कि अर्थ जो वो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, तो आई तो हमें वहां से मिल जाएगा। लेकिन हमें पहले क्या करना होगा, ओमेगा फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट फाइंड
फर्स्ट फाइंड ओमेगा, ठीक है। तो पहले आप ओमेगा फाइंड करोगे, ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर डे। बेसिकली देखो अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस के अबाउट जो एक चक्कर है वो कितना कब कंप्लीट करती है, एक दिन में कंप्लीट करती है। इसको ऐसे लिख सकते सिंस द अर्थ वन रोटेशन, तो एक रोटेशन जो है अर्थ या एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस के अपने एक्सिस के अबाउट ये पूरी रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट करिए, वन डे। तो एंगल ऑफ वेलोसिटी जो अर्थ की आएगी अपने एक्सिस के अबाउट क्या होगी, 2 पाई। देखो हमें पता है कि जब वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है तो क्या होता है रेडियन के अंदर 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या है दिन, एक दिन में कंप्लीट करे। अब दिन को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे क्या जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और टाइम को हम यहाँ पे डे को कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर। तो 1 घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, मतलब हर घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, और हर सेकेंड 8 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा 22 पाई रेडियन, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जब हम सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 86400 सेकेंड। तो जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ओमेगा आपके पास जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, 7.27 × 10⁻¹⁵ रेडियन पर सेकेंड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप क्या फाइंड कर लोगे, आप ओमेगा जो है वो फाइंड कर लोगे कि जब अर्थ अपनी ही एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करिए तो उसकी एंगुलर स्पीड जो है वो क्या है वो आपने फाइंड कर लिया। अब हमें ये मिल गया है, अब हम क्या फाइंड करेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे, अपनी मास इक्वेशन में जाएंगे, हमें आई फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमने ये कंसिडर किया, कंसिडर अर्थ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर, या हमने अर्थ को क्या है कंसिडर किया है, एक सॉलिड स्फेयर कंसिडर किया है, और सॉलिड स्फेयर का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन ए के अंदर जाएंगे, और इक्वेशन ए के अंदर जाके दोनों चीज़ों को प्लग इन कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू सॉरी एंगुलर मोमेंटम है एल, और आई की जगह पे क्या लिखोगे 2/5, 2/5, और एम की जगह पे क्या आएगा मास ऑफ अर्थ एम ई, आर की जगह पे क्या लिखोगे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा। अब इन सब की वैल्यू प्लग इन कर दो आप तो 2/5 आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ जो है वो कितना है 5.98 × 10⁴, और इसके अलावा रेडियस ऑफ अर्थ है 6.38 × 10⁶ का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास जो आपने ओमेगा फाइंड किया है वो है 7.272 × 10⁵। इन सबको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 7.08 × 33 kgm² / s² हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ रहा है मोमेंटम आ रहा है कब, जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ये तो हमने अभी पार्ट ए सॉल्व किया है, पार्ट बी की तरफ चलते हैं, और पार्ट बी में आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपने एंगुलर मोमेंटम ही फाइंड करना है। लेकिन अब जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व नहीं कर रही बल्कि वो सन के अबाउट जो है वो ऑर्बिट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एल जो है वो फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ओमेगा फाइंड करोगे। तो अब हमें पता है कि जो अर्थ है सन के अबाउट जो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है उसको एक पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, यहाँ पे 365 डेज लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ हम इसको ऐसे बोलेंगे कितना टाइम लगता है जब अर्थ जो है वो सन के अबाउट एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, तो हम कहते हैं 1 साल लगता है, पर 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो सिंस द अर्थ कंप्लीट कंप्लीट वन रोटेशन कि एक रोटेशन जो है या एक रेवोल्यूशन जो है तो अर्थ कंप्लीट करती है सन के अबाउट वो कितने उसमें करती है, 1 ईयर के अंदर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा जो अब आएगा जो उसकी एंगुलर स्पीड होगी क्या होगी, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ अबाउट द सन इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। पूरे रोटेशन की बात हो रही है तो एक पूरे चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो किसके इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। कितना टाइम लग रहा है उसको, 1 साल लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ईयर आ जाएगा। अब हमें पता है 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली क्या करना है, 1 साल को किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है। तो 1 साल में
कितने दिन है? 365, 365 days है, और हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो 24 घंटे हैं उसमें अगर 1 घंटे का देखें तो 1 घंटे में कितने मिनट हैं? 60 मिनट हैं, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 साल के अंदर कितने सेकंड बनेंगे? 3,153,600 सेकंड बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड कर दोगे यहाँ पर, तो ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हम 1 साल को सेकेंड्स के फॉर्म में लिखें तो 3,153,600 सेकेंड। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा आपके पास क्या जाएगा? तो मैं इसको ओमेगा प्राइम लिख देती हूँ, क्यों? क्योंकि अब हम अर्थ को सन के अबाउट रिवॉल्व करवा रहे हैं, राइट। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा 1.99 × 10⁻¹⁷ रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ अबाउट द सन। ये आपके पास क्या है? ओमेगा आया है। अब हमने क्या करना है, अपनी मास्टर इक्वेशन के अंदर जाके मास्टर इक्वेशन आपने क्या फाइंड करना है, आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है जो कि क्या है, एल है, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो है वो एल के लिए काम कर लेते हैं। अब जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल प्राइम वो किसके इक्वल होगा? आई ओमेगा के इक्वल होगा। अब यहाँ पर अर्थ जो है वो सन के अबाउट रोटेट कर रही है, तो जो सन के अबाउट ये रोटेट कर रही है तो बेसिकली ये क्या है, एक पार्टिकल है। तो यहाँ पर क्या आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा अब वो किसके इक्वल होगा? एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा? एम आर स्क्वायर। तो अब एम की जगह पर आप क्या लिखोगे? मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि मास अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। आर की जगह पे लिखोगे रेडियस ऑफ अर्थ, बल्कि रेडियस नहीं लिखोगे, बट अब यहाँ पे क्या होगा, सन और अर्थ के दरमियान का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो वाला डिस्टेंस लिखोगे वो क्या है, आर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मास ऑफ अर्थ, और आर आ जाएगा सन और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस, और ओमेगा की जगह पे वैल्यू लिख दोगे 1.99, ये ओमेगा आ जाएगा यहाँ पर। अब वैल्यू प्लग इन करते हैं, मास ऑफ अर्थ कितना है? 5.98 × 10⁻²। इसके अलावा आर जो है कितना है? 1.5 × 10⁻¹1, और यहाँ पर ओमेगा जो है वो कितना है, यहाँ पर वो है 1.99 × 10⁻⁷। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम जो आएगा जब अर्थ जो है वो सन के अबाउट रिवॉल्व करी वो होगा 2.7 × 10⁻⁴ kg m² पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द रिवॉल्विंग या ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। तो यहाँ पर आपने ये दोनों एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड करने थे, जब वो अपने एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व कर रही थी और जब वो सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही थी। तो ये दोनों चीजें हमने क्या करी है, फाइंड आउट करी है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा जो है वो यही आंसर आ रहा है 7.3 × 10³, और दूसरे में क्या है आपके पास, यहाँ हम इसको इसे लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली देखो आपके पास वही आंसर आ रहा है, 7.3 के करीब ही आ रहा है, 10³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास दूसरा क्या है एंगुलर मोमेंटम, वो है 2.7 × 10⁻¹⁴। तो 2.7 अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके लिखूँ तो क्या होगा, 2.7 × 10⁻¹⁴ हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, kg m² पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपने फाइनली जो यूनिट 4 है उसका लास्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 11 भी सॉल्व कर लिया है। तो इस चैप्टर के अंदर तमाम न्यूमेरिकल्स और तमाम सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, बेसिकली वर्क एग्जाम्पल्स हैं, वो सब हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो सी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।